सो ये गाइस, आज के वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा इंस्पायरिंग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स इस वक्त आपको पता है क्या बता रहा है, क्या कह रहा है यूनिवर्स आपको? ये कह रहा है कि इस वक्त जो भी सिचुएशन में आप हो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है, जस्ट यू नो डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज ये चीज़ सॉल्व होने वाली है बहुत जल्द। जो भी सिचुएशन है, जो भी इम्बैलेंस हो गया है लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। बट ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट हैव फेथ एंड टेक राइट एक्शंस। अगर आप रो रहे हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो गए हो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो हेल्पलेस फील हो रहा है, तो डोंट फील दैट, बिकॉज ये चीज़ फील करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है एंड इट इज़ रेडी टू हेल्प यू राइट नाउ। सो जस्ट अलाउ यूनिवर्स टू हेल्प यू, ठीक है? एंड यूनिवर्स ये भी आपको बता रहा है कि जितना आप बिलीफ रखेंगे, जितना आप ज़्यादा फेथ रखेंगे एंड आप ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में वो मिरेकल होगा, वो मैनिफेस्टेशन होगा एंड वो विश फुलफिलमेंट होगा, ठीक है? सो नाउ इट इज़ अप टू यू। ये आप, ये सिचुएशन पूरी आपके हाथ में आ गई, ठीक है? अब तक आप सोच रहे थे कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में बहुत कुछ है। तो उन चीज़ों के लिए अपने आप को यू नो आप तैयार रखिए। जो चीज़ आपके हाथ में है, एक्शन लेना, विश्वास रखना, खुश रहना, है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करना, यूनिवर्स पे वो विश्वास बताना, ट्रस्ट करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो वो चीज़ आप 100% अपने आप को मतलब दीजिए एंड वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है? सिर्फ इतना करेंगे तो आपकी 50% से भी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो जस्ट टेक इट ईजी एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ओके? डोंट वरी, डोंट ओवर थिंक एंड जस्ट हैव फेथ। एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी अमेजिंग एंड जस्ट नो दैट कि ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना लाइफ में, ये चैलेंजेस जो भी है, कहीं ना कहीं इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर, ठीक है? ये आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। सो डोंट वरी, बिकॉज आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, ठीक है? कुछ भी आपका यहाँ पे जा नहीं रहा है, बस आप लर्न करोगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे एंड एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। सो जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड जस्ट बिलीव इन योर ओन सेल्फ।